दोस्तों, अगर माजी में देखा जाए तो आज से तकरीबन 60-70 साल पहले पाकिस्तान में रहने वाले लोग मुर्गी का गोश्त मेहमानों के आने पर पकाते थे, या कोई मुर्गी बीमार हो जाती तो उसको ज़िबा करके पकाया जाता था, या फिर कोई बीमार हो जाता तो डॉक्टर के मशवरे पर बीमार के लिए पकाया जाता था। इस दौर में लोगों की इतनी हैसियत ही नहीं होती थी कि हर हफ्ते मुर्गी का गोश्त पकाया जा सके। इस ज़माने में मुर्गी का गोश्त 4 रुपए फ़ी किलो और बकरे का गोश्त तकरीबन 1.25 रुपए किलो में मिलता था। जो मुर्गे शहरों और देहातों में घरों के अंदर पाले जाते थे, इनकी खुराक कूड़ा क्रिकेट और कीड़े मकोड़े होती थी। सेहतमंद गज़ा फराम करने वाली मुर्गियां बड़े गैर सेहतमंद माहौल में परवरिश पाती थीं। अंडों की पैदावार भी कोई साफ़ सुथरे माहौल में नहीं होती थी। आज के इस दौर में जितना मुर्गियों के गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है, उतना ही इसके नुकसान और साइड इफ़ेक्ट भी सामने आ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रायलर मुर्गियों के गोश्त के नुकसान और मज़रे सेहत असरात के बारे में, जो मुख्तलिफ़ तहकीकात में सामने आ रहे हैं। दोस्तों, तफसील में जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, नुकसान के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि अमेरिका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में पोल्ट्री की जदीद सनत 1950 में कायम हुई, जबकि पाकिस्तान में तजारत का आगाज़ 1963 में हुआ। कौमी एयरलाइन PIA ने इब्तदा में इस सनत में सरमायाकारी की और 1965 में कराची में एक जदीद हैचरी यूनिट लगाया। इसके बाद जब ताजरों को और सन्नतकारों को गैर मामूली मुनाफे का अंदाज़ा हुआ तो हर तरफ पोल्ट्री फार्म बनना शुरू हो गए। तो इस वक्त इस सनत में तकरीबन 300 अरब रुपए में हज़ारों पोल्ट्री फार्म बन गए और दर्जनों के हिसाब से प्रोसेसिंग यूनिट भी कायम हुए, जहां मुर्गियों के गोश्त से मुख्तलिफ मसनूआत तैयार की जाती हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुतअद्दी अरब अमीरात, सऊदी अरब में भी हाथों हाथ बिकती हैं। दोस्तों, ये सनत तो इस हद तक फैल चुकी है और इसका इस्तेमाल भी इस दर्जे तक पहुँच गया है कि अगर आप कोई बोले कि इसका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए तो ये मुश्किल ही नहीं मुहाल मालूम होता है। जहाँ इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, वहाँ इसके नुकसानात भी सामने आए हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ एक तहकीक के पेश नज़र ब्रायलर मुर्गियों के नुकसानात। डॉक्टर अजरात और पोल्ट्री के वेटरनरी माहरीन का कहना है कि ब्रायलर मुर्गियों का गोश्त खाने से कैंसर लाहक हो सकता है। ब्रायलर मुर्गियों की खुराक में ऐसे अज़ाज़ शामिल हैं जो इसके गोश्त में सराइत कर जाते हैं, गोश्त में और सैनिक की मकदार को बढ़ा देते हैं। माहरीन का कहना है कि ब्रायलर की कलेजी इतनी ख़तरनाक है और उसमें और सैनिक की मकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिससे मसाने, गुर्दे, जिगर, मेदे और स्किन का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस का मर्ज भी ब्रायलर मुर्गियों का गोश्त खाने से बढ़ रहा है और हर चौथा बंदा हेपेटाइटिस का मरीज़ है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि एक फार्मी चूज़ा सिर्फ 1.5 माह में मुर्गी के साइज़ का हो जाता है, आखिर क्यों, जबकि देसी चूज़ा 6 माह में मुर्गी जितना होता है। मुकम्मल मुर्गी तो वो 1 साल में बनता है। इस ब्रायलर को जो खुराक दी जाती है, इसमें मुख्तलिफ हार्मोन्स और केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इनकी अफजाइश को गैरफितरी तौर पर बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा इनकी फीड में जानवरों का खून, जो मसबा खानों से मिलता है, इसमें डाला जाता है। फीड में मरदार जानवरों का गोश्त और इलाइश भी शामिल करते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये चूज़े बड़े होने के बावजूद उड़ने भागने से कासर होते हैं। इन ब्रायलर मुर्गियों का जिस्म फूला सूजा हुआ होता है, जो कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल होता है। ऐसे केमिकल वाला गोश्त खाने से लोगों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां दाखिल हो जाती हैं, जिनकी वजह से लोग मरना शुरू हो जाते हैं। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में सलमोनिया बैक्टीरिया पाया जाता है। ये ब्रायलर मुर्गियाँ गंदे शेडों में पाली जाती हैं, जहाँ पर इनको मुख्तलिफ बीमारियाँ लग जाती हैं, जिनको तलफ करने के अहकाम हैं, लेकिन ये ज़िबा करके इंसानों को खिलाई जा रही हैं। दोस्तों, अगर इस तरफ तवज्जो ना दी गई तो आने वाले वक्त में कैंसर, हेपेटाइटिस और दूसरे अमराज तेज़ी से बढ़कर इंसानों को मौत के मुंह में धकेल देंगे। इस हाई प्रोटीन वाले सफ़ेद गोश्त के नुकसानात में मोटापा, चर्बी, ख़ास तौर पर गुर्दों और जिगर पर बुरे असरात और जोड़ों का दर्द और आए दिन बीमार रहने का मामूल बनता जा रहा है। अगर ब्रायलर का इस्तेमाल ना रोका गया तो हमारी आने वाली नस्लें भी बीमारियों का शिकार हो जाएंगी। दोस्तों, मेरा आपको मशवरा है कि मुर्गी की कलेजी ना तो खुद खाएं, ना ही अपने बच्चों को खाने दें। अगर हो सके तो ब्रायलर का इस्तेमाल कम से कम करें, लेकिन अभी इसको बंद भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि घर में अगर मेहमान आ जाएँ तो गोश्त ना पके तो गिले शिकवे करने शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।